लेट्स अंडरस्टैंड डिफरेंस बिटवीन ईएसटी दैट इज एक्सप्रेस सीक्वेंस टैग एंड सीक्वेंस एनोटेशन. ये दोनों ही मेथोडोलॉजी किसकी है? ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट की. जिसमें पहला मेथड क्या किया जा रहा है, क्या बोल रहा है वो, कि आइडेंटिफाई दो सीक्वेंस विच आर एक्सप्रेसेस आरएनए. सी, जो पूरा डीएनए होता है उसमें दो तरह की सीक्वेंस होती है, एक होती है नॉन कोडिंग, एक होती है कोडिंग. नॉन कोडिंग जो कुछ भी कोड नहीं करती है, एक्सप्रेस नहीं होती है, कुछ इससे रिजल्ट नहीं मिलता है. एंड कोडिंग जो अल्टीमेटली कोई ना कोई प्रोटीन, कोई ना कोई प्रोडक्ट कोड करती है. तो यहाँ ये बोल रहा है कि सिर्फ जो कोडिंग पार्ट है सिर्फ उन्हीं की सीक्वेंस को पता किया जाए, नॉन कोडिंग की सीक्वेंस को पता नहीं किया जाए ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में, राइट. तो बोल रहा है सीक्वेंस विच आर एक्सप्रेसेस आरएनए इज ओनली आइडेंटिफाई, नॉन कोडिंग सीक्वेंस का सीक्वेंस पता नहीं किया गया. ये भी नहीं, 2023 में इस पे क्वेश्चन भी आया है कि सीक्वेंस विच आर एक्सप्रेसेस आरएनए और विच आर एक्सप्रेसेस प्रोटीन. तो ध्यान रखना है आरएनए जो है वो वाला आंसर आएगा. नाउ सीक्वेंस एनोटेशन में क्या किया जाता है, कोडिंग और नॉन कोडिंग दोनों ही सीक्वेंस को पता किया जा रहा है, यानी कि कंप्लीट डीएनए का सीक्वेंस पता किया जाता है. बिकॉज नॉन कोडिंग जो है जिसमें वीएनटीआर सीक्वेंस होती है विच हेल्प इन डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, सो लेटर ऑन सीक्वेंस एनोटेशन वॉज प्रेफरेबल फॉर ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट.